29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक श्राद्ध का टाइम है, तो हमें इन दिनों क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके ऊपर हम बात करते हैं। पितृऋण को चुकाने के लिए उनका श्राद्ध करने की आवश्यकता होती है। श्रद्धा पूर्वक उनके प्रति अपने भाव व्यक्त करना, उनको तर्पण देना, उनका पिंडदान करना, उनकी आत्मा की शांति के लिए ये अगर काम हम करते हैं तो पितृ हमारे बहुत प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना, तामसिक चीज़ों का सेवन ना करना और किसी भी शुभ काम की शुरुआत ना करना, ये कुछ काम पितृपक्ष में वर्जित किए गए हैं। और श्राद्ध में पीपल के पेड़ के ऊपर एक लोटा जल जरूर अर्पण करें और शाम के टाइम में दीपक जलाए, इससे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। और श्राद्ध के दिनों में पशु पक्षियों के लिए अन्नदान करना बहुत ही शुभ माना गया है, तो इसलिए आप ये कर सकते हैं कि एक कढ़ाई ले ले, उसमें थोड़ा सा घी डाल दे और आटा डाल दे और वो आटा भून ले। अब भूनने के बाद में थोड़ा सा ठंडा होने दे, उसमें चीनी या बूरा या गुड़ कोई जो भी आपके पास में हो वो मिक्स कर ले और ये ऐसा मिश्रण बना के रख ले और हर रोज श्राद्ध के दिन में ये आप चिट्ठियों को डाले, आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आपको हजारों लाखों लोगों को खाना खिलाने का पुण्य मिलेगा।